बढ़ते आगे आपको बता दें कि हरिद्वार में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षा कर्मचारियों ने हल्ला बोल दिया है। राज्य के शिक्षा कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर हरिद्वार के हजारों शिक्षा कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर राज्य और केंद्र सरकार से एनपीएस को समाप्त करने की मांग उठाई है। साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2024 से पहले उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो उसी पार्टी को वोट देंगे जो कर्मचारियों की बात करेगा। और एनएमओपीएस हरिद्वार के जिला अध्यक्ष रोहित कुमार शर्मा की माने तो उत्तराखंड सरकार ने 1 अक्टूबर 2005 को पुरानी पेंशन को समाप्त कर एमपीएस लागू किया था। 1 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड सरकार ने पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था और एनपीएस को लागू कर दिया गया था, जबरदस्ती थोप दिया गया था। बुढ़ापे का सहारा थी पुरानी पेंशन। अभी एक शिक्षक साथी हमारे नारसन ब्लॉक में रिटायर हुए हैं, मात्र 550 रुपये पेंशन बन रही है। आप जान सकते हैं कि आज इतनी सी महंगाई के दौर में 550 रुपये में सरकारी कर्मचारी कैसे गुजारा कर लेगा। अभी 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, और वर्तमान में ही मात्र हिमाचल के 2 लाख कर्मचारियों ने सरकार को बदल कर अपनी पुरानी पेंशन बहाल ले ली है, फुल बहाल करा चुके हैं। आगे 2024 में लोकसभा का चुनाव है, जो कर्मचारियों के हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हम किसी सरकार के विरोधी नहीं हैं, हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि वो 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले हमारी मांग हूँ कि हमारी पुरानी पेंशन वापस आए, सरकार जाग जाए, वरना इलेक्शन के समय जब 2024 में इलेक्शन होंगे तो जो हमारे हित की बात करेगा वही हमारी सरकार बनेगी।